कोशिश करी हमने डुबकी मारने की, नहीं नहीं बहनी बह रहे हो। अरे दोस्तों, मैं हेमंत पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम आए हुए हैं हरिद्वार और आज का व्लॉग होने वाला है हमारा हरिद्वार में, और गंगा माता के दर्शन आप सभी को इस व्लॉग में होने वाले हैं। और अपने भाई के साथ आया हुआ था, ये पहले भी व्लॉग्स में देखें लेकिन वो दूसरे चैनल पे होगा। हेलो भाई, कार्तिक भाई है हमारे, कज़न है अपना। तो अभी फ़िलहाल हम इस वाले होटल में रुके हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। मधुबन होटल है और गेस्ट हाउस है, तो इसमें अपने को यहाँ पे 2800 के दो रूम पड़ गए थे, तो वही 1400 पर रूम। कुछ ऐसी सी लोकेशन है। अभी फ़िलहाल हम हर की पौड़ी जा रहे हैं और ई रिक्शा अपने कर लिया, इसमें हम बैठ के चलते हैं। मेरी मम्मी मम्मी हेलो कर दो। और भैया क्या हाल है? भैया सीरियस है? आ जाओ। तो भाई कार्तिक, कैसा लग रहा है हरिद्वार आगे? बढ़िया लग रहा है। आज मौसम कैसा है? ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी। हाँ, ह्यूमिडिटी तो मेरे को भी लग रही है। यहाँ पे बारिश हुई थी आज दिल्ली में, भाई सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है, हम इस चक्कर में लेट भी हो गए थे। थोड़ी सी बंपी रोड्स हमारे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ से कितना? 20 रुपये सवारी है यहाँ से भाई, अपना 20 रुपये सवारी है अपने होटल से। और देखते हैं अभी कितने मिनट की दूरी पर, ऐसे तो पता चल नहीं पाएगा, तो मिनट्स में ही पता चलेगा। 1.5 किलोमीटर कम से कम। 1.5 भाई हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना? 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं ई रिक्शा से। तो यहाँ पे कुछ ऐसी मार्केट सी है, ये मार्केट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। हाँ, तो हम वैसे तो जून एंड में ही आए हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मैं कहूँगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिलनी गई। तो अभी जो ई रिक्शा वाले भैया थे उनसे मैंने पूछा, तो वो कह रहे हैं कि जब से राम मंदिर बना तब से ना लोग डाइवर्ट हो गए हैं, तो हो सकता है एक वो भी रीज़न। धूप बहुत तेज़ है ये, पता है धूप, तो बारिशें भी शुरू हो गई हैं, कुछ बादल हैं थोड़े बहुत, लेकिन धूप है भाई, टैनिंग करने जानी है। चलो भाई, ये है यहाँ से हम राइट भी हो सकते हैं और राइट भी। तो भाई ये घाट है, देख लो जी, फ्लो भी ठीक है यहाँ पे, है ना? आज तेज लग रहा है या ऐसे ही रहता है? देखो भाई, ये ऐसे बच्चे से बैठे होते हैं यहाँ पे, सिक्के कलेक्ट कर रहे होते हैं मैग्नेट लगा के। तो भाई यहीं अपना हम भी गंगा स्नान कर लेंगे, हर हर गंगे। हाँ, कल ही हम याद कर रहे थे भाई, कल ही हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, जो अपने लोकल आइसक्रीम वाले होते थे पहले के टाइम पे, आते थे गलियों में, और लोकल आइसक्रीम जो होती थी, मेट्रो वगैरह जो होती थी, और भी मतलब ऐसे ही नाम होते थे, तो उन्हीं की बात कर रहे थे। और आज हमें दिख ही गया, तो वही भाई दिखा रहा था कि ये देखो भाई, ये देखो भाई, मतलब कितने ट्रेंड बच्चे होते हैं, ट्रेंड एकदम बच्चे भी क्या, ये तो बड़े भी हैं, अपनी सी एज के भी हैं, अपना मस्त लोगों के साथ नहाते रहते हैं। तो भाई देखो, आज ना सही में भीड़ कम है, या तो हो सकता है इस समय हो कि 2 बज रहे हैं, 2 बजे की वजह से हो, या कुछ तो रीज़न होगा, या फिर अपना ये भी कह लो कि जो सीज़न है वो अब
खत्म हो रहा है, मतलब जो छुट्टियाँ जो स्कूलों की पड़ी होती हैं वो खत्म हो रही हैं, तो इस वजह से भी कम हो सकती है भीड़। तो भाई अभी कह रहे हैं कि आगे की तरफ चल लेते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे मेन सब लोग जाते ही हैं वहाँ पे उस साइड। एक तो धूप के अपोजिट आ रहा हूँ ना, आपको मेरा चेहरा बिल्कुल काला काला सा दिख रहा होगा, ऐसे चलो उल्टा। भाई कहाँ लेके जा रहा है? आगे। आगे किधर? आगे वहाँ पे शिव जी की मूर्ति। आगे करते करते दिल्ली से यहाँ आ गया। और कितना आगे भाई? थोड़ा सा। अच्छा, बारिश वारिश की चांसेस लग रहे इधर? शाम को वैसे है कि होगी। देखा तो तूने? हाँ जी। अच्छा सही है, बढ़िया कर। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। हाँ अभी दिखा दूंगा। क्या करेंगे ये लोग देख के। वैसे 200-300 व्यूज आने, सच्चाई की बोलती हैं। कोई बात नहीं, इतने आ जाए वही बहुत है। और अपना तो भाई शौकिया तौर पे चलता है ना भाई? हाँ। उधर का देख रहा है, इधर भी देख ले। देखो वॉशरूम वगैरह प्रॉपर बन गए, स्मार्ट टॉयलेट जिसे कह रहे हैं यहाँ के लोग। लोग क्या, सरकार? दस रुपये यहाँ पर हैं स्मार्ट टॉयलेट चार्जेस। भाई देखो गन्ने का जूस वाले जगह जगह वेंडर। और आजकल ना यार वो गन्ने का जूस में थोड़ी सी एक वहम आ गया है, वो रील्स देखी तूने? लोग कीड़े वीड़े मतलब ऐसे होते हैं ततैया टाइप के, वो पिस जाते हैं। तब से ना भाई मेरे को थोड़ा वहम हो गया कि भाई थोड़ा अवॉइड ही कर लो। और फेमस मूर्ति भोले बाबा की, हम लोग इस साइड से हैं पीछे से। भाई ब्रिज से थोड़ा सा ही दूर हम यहीं पे स्टे कर गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, इधर की तरफ खाली है ना। तो पानी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे लग रहा है पानी ठंडा है, बहुत ठंडा है पानी तो। बहुत ठंडा है, मजा आ रही है इतनी गर्मी में। तो भाई पानी बहुत ठंडा है, मजा आ गया, लेकिन कसम से फ्लो भी अब देखो और थोड़ा सा तेज हो गया, लेकिन मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है पानी एकदम ठंडा ठंडा। और कोशिश करी हमने डुबकी मारने की, नहीं बह नहीं रहा। बह रहे हो? तो भाई लेकिन अभी एक सीन हो गया, मैं जब अभी व्लॉगिंग कर रहा था इसमें छोटी सी क्लिप भी होगी, तो उसमें ना भाई पीछे से एक अंकल ऐसे बहते हुए जा रहे, तो मम्मी ने बोला कि कोई बहरा है, तो लेकिन उसमें देखा तो मतलब उसको जैसे पकड़ने की कोशिश करी मैंने भी, मेरा हाथ पहुँचा नहीं उन तक, तो उसको फिर यहीं पर जो लोग ऐसे नहा रहे होते जो अभी दिखाया मैंने व्लॉग में, तो उन्होंने रोका, तो पता चला उन अंकल के साथ एक छोटा बच्चा था, वो तो पानी में दिख ही नहीं रहा था, तो एकदम से ऐसा डर सा लग गया कि यार इतना ऐसे बच्चा, लेकिन ठीक है अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, बच्चा भी ठीक है, हंस रहा था वो, स्ट्रॉन्ग बच्चा था। तो भाई अभी फ़िलहाल देखते हैं अब कुछ खाने वाने जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ फेमस जगह है चोटी वाला जैसे हो गया, तो उस साइड का दिखाऊंगा मैं अभी आपको, तो चलते हैं है ना। यहीं से स्टेयर से उतर के देखो एक स्ट्रीट जा रही हूँ, यहाँ पर ये भी हैं पंडित जी पूरी वाले, ये भी फेमस हैं। और अभी हम जा रहे हैं जैन चाट वाले पे, जो कि फेमस चाट वाले हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा नाम है उनका। भाई ये गलियाँ तो चांदनी चौक की याद दिला रही है ना मम्मी? फोन करी, आजा जल्दी। है मम्मी? हाँ बिल्कुल, चांदनी चौक की याद दिला रही है गलियाँ तो, बिल्कुल सेम वैसी है।
ये देखो वैसी ही गलियाँ, वैसा ही रश गलियों में, दुकानें और खाने पीने की सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। फिलहाल अभी हम वाला सब ऐसी जगह पे, हाँ ऐसी पराठे वाली गली टाइप से, हाँ वही लग रहा है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, जो मज़ा आता ना पैदल एक्सप्लोर करने में भाई, वो किसी और चीज़ में आता नहीं है। मतलब स्कूटी पे घूम लो, साइकिल पे घूम लो, गाड़ी में घूम लो, बाइक पे, पैदल का अपना मज़ा है। कितने लोग अग्री करेंगे मुझसे ज़रूर बताना ये कमेंट सेक्शन में। तो भाई चलो फाइनली आ गए जैन चाट भंडार पे, मेरे अंकल अपने फेमस वाले, और यहाँ पे ट्राई करते हैं इनका फेमस कांजी वड़ा और चाट। बाबूजी को तो पहले अंदर बैठाओ और कांजी वड़ा यहाँ से उठा के ले जाओ। कांजी वड़ा बना रखा है, लो बाबूजी कांजी वड़ा ले जाओ। हम भी ले। तो भाई ये है कांजी वड़ा अपना, इसको मैं ट्राई करता हूँ। भैया आ जाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकदम फ्लेवरफुल। एक बार चाट ट्राई करते हैं। तो गाइस ये है यहाँ की चाट फेमस, एक बार ये ट्राई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, फ्लेवरफुल लग रहा है, और जितना नाम सुना था उस हिसाब से जस्टिफाइड है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, आप जरूर आए। कंटिन्यू करते हैं वीडियो। वहाँ से चलने के बाद यहाँ पे आ गए पंडित जी पूरी वाले पे, यहाँ पे अपना पूरी और आलू की सब्जी यहाँ पे मिलती है और उसका हम लंच करेंगे। तो कुछ ऐसे से एम्बियंस है यहाँ पे, लेकिन एसी नहीं है आपको, ये इस टाइप के नॉर्मल फैन है और गर्मी तो भाई गर्मी है। तो भाई इस टाइप का एम्बियंस है, देख सकते हो साइड भी है। थोड़ा और दिखा दूँ इस तरफ से पूरा आपको। मेन शॉप देखो उस साइड है, यहाँ पर रिसेप्शन मतलब बिलिंग काउंटर कह लो, बिलिंग काउंटर इस साइड है और वहाँ से ऑर्डर लेके इधर आपको प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं बैठा हूँ अपने भाई के साथ। लो जी लो आ गए हैं, एकदम मतलब फास्ट सर्विस है। और इसमें देखो एक तो आलू की सब्जी शायद कद्दू वाली है, इसमें भी आलू हैं और ये एक प्लेट में चार पूरी हैं बढ़िया गर्म गर्म, और दिखने में तो बढ़िया लग रही है। खा के बताते हैं, पहले एक बार कार्तिक का रिव्यू ले लूँ, ये खाने वाला है। कैसी है भाई? अच्छी ले चले। सही है, टेस्ट बढ़िया है, स्पाइसी नहीं आलू की सब्जी, एकदम मॉडरेट है, अच्छा ऑल ओवर बढ़िया। खाने के बाद भाई ये मंगाई है यहाँ की ठंडी ठंडी कुल्हड़ वाली लस्सी। कार्तिक पी क्या बताओ भाई, मीठी है, मीठी ज़्यादा है। अच्छा ये बार ला मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ थोड़ी ज़्यादा मीठी है, बर्फी ऐसी नहीं लग रही है ना, बर्फी ऐसा टेस्ट है इसका, लेकिन सही है। तो ये भी लाया भाई चार दिनों में 590 रुपये का, काफ़ी सही है और टेस्ट वाइज भी बढ़िया था, और खाना खा लिया पेट भर गया। तो यहाँ से कटते हैं फटाफट भाई, शाम के 7:30 बजे वापस यहाँ पे आना हुआ है और आरती का समय हो गया। आपको वहाँ उस साइड देखिए थोड़ा कैमरा जूम अच्छे से नहीं कर रहा, आरती हो रही है। साइड
चलो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये थे आज का हमारा व्लॉग जिसमें मैंने हरिद्वार के माँ गंगा के आपको दर्शन कराए। आई होप आपको पसंद आए हो। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।